हेलो फ्रेंड्स, पूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इन्वायरमेंट का चैप्टर 3 हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। इस चैप्टर का नाम है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी ऐसा इकोसिस्टम जो ज़मीन पे है, ठीक है, और उसके इकोसिस्टम को हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, यानी लैंड सिस्टम को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिफॉरेस्टेशन के कारण हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में कवर कर रहा हूँ। तो डिफॉरेस्टेशन के जो कारण हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज को आप लोग सबसे पहले यहाँ पे समझ लें, जो कि मेंस के एग्ज़ाम में कई बार पूछता रहता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मुलेट किया हूँ। चलिए आपको बताते हैं उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस क्या है? मान लीजिए एक जगह फार्मिंग हुई जंगल के अंदर, और ये फार्मिंग जब ये कर लिए तो यहाँ पे जो अनाज पैदा हुआ उसे काट लिए, काट के फिर इसको छोड़ दिए, फिर दूसरे जगह जंगल के अंदर गए, यहाँ पे फार्मिंग किए, इस जगह पे किए, फिर तीसरे जगह किए, तो इस कल्चर को, इस सिस्टम को शिफ्टिंग कल्टीवेशंस बोल रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट भी एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का, कॉजेज का। तो जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पे काउंट होते हैं इसको। फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें भी डिफॉरेस्टेशन का एक फैक्टर है। रॉ मटेरियल ये जो होती हैं, डोमेस्टिक लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, ड्रग, सेंट, पेपर, प्लाई, फर्नीचर, मैच स्टिक, लेटेक्स, रबर, इस सारी चीज़ों में पेड़ का इस्तेमाल होता है और ये जंगल से मिलती हैं और इनकी कटाई होती है। ये सब आप मेन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अदर कॉजेज क्या है? ओवर ग्रेजिंग हो सकती है, एग्रीकल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो भी, और अर्बनाइजेशंस, फ्लड, फायर, पेस्ट, डिजीजेज, डिफेंस और कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ के लिए भी ये डिफॉरेस्टेशंस हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द नेचर हो रही हैं, सीधे सीधे शब्दों में बोलें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, तो ये चीज़ें डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाती हैं। और ये कैसे हमको अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, इसके क्या क्या प्रोज कॉन्स हैं, वो सब भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डिमनिस करता है, क्या किसे कम करता है? क्लोज्ड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट बहुत घने हैं उनको कम कर देता है। तो लीडिंग इंक्रीज इन द डिग्रेडेड लैंड एंड फॉरेस्ट, जिसकी वजह से ज़मीन और फॉरेस्ट डिग्रेड हो जाते हैं, यानी उनकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी आपको न्यूट्रिशंस आ रही है ज़मीन को और फॉरेस्ट को, एक दूसरे से सिम्बियोटिक और रिलेशंस में रहते हैं, जिनके कारण जो न्यूट्रिशंस होती है पेड़ के पौधे पत्तियां जो मरकर नीचे गिरती हैं, झड़कर नीचे गिरती हैं, तो वो न्यूट्रिशंस का काम करती हैं। तो ये सारे चैन बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से सॉयल की गुणवत्ता, सॉयल की क्वालिटी, न्यूट्रिशंस बनी रहती है। लेकिन जब ये चीज़ें कट जाएंगी पेड़ पौधे, तो ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपायरेशंस, जो होती है रिड्यूस हो जाती है। क्यों? ट्रांसपायरेशन पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा होती है, तो पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन का सवाल नहीं है। लोअरिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पेड़ पौधे के द्वारा हो ही जाता है, लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये सब भी प्रॉब्लम आती है, अफेक्ट करती है इसको। नेचुरल रीयूज साइकिल जो टूट जाता है, और वाटर जो सिस्टम होती है वो भी बहुत हद तक चली जाती है। सॉयल इरोजन बहुत बढ़ जाता है, सॉयल इरोजन कई प्रकार से होते हैं, तो ये भी सॉयल इरोजन को अफेक्ट करता है। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट जो एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, जो भी फ्लोरा फौना है उनके हैबिटेट को इम्पैक्ट करती है बहुत बुरी तरीके से। पॉल्यूशंस लेवल इंक्रीज एट ऑल लेवल, हर लेवल पे पॉल्यूशंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ट्री हैं हम लोगों के अगल बगल, तो ये ट्री आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपसे क्या मांगते हैं? कुछ नहीं ऑलमोस्ट, लेकिन ये हमें जीवन को सपोर्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार से, हर प्रकार से साउंड पॉल्यूशंस, लैंड पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशंस, हर प्रकार से एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशंस को ये कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें क्या जा रहे हैं, काटते हुए चले जा रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा
बढ़ रही है, और आज के डेट में हर वर्ल्ड के कोने कोने में ये चीज़ें हो रही हैं और डिफॉरेस्टेशन बहुत तीव्र गति से आगे चल रही हैं। अगर बात कर लिया जाए अमेजोन के फॉरेस्ट जो ब्राज़ील के आसपास है, तो वो आप समझ सकते हैं बहुत हद तक एक एक दिन में कितने कितने लाख ट्रीज कट रहे हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं इसके, जो हम लोगों को झेलने पड़ेंगे भविष्य में। तो आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसको कैसे हम लोग रिसोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर हम आज सस्टेनेबल यूज नहीं करते हैं तो हम लोग नहीं करेंगे सस्टेनेबल यूज, तो उन्हें कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। अगर हम लोग सस्टेनेबल यूज करते हैं तो जाकर उनको, उनके लिए हम लोग कुछ भविष्य में छोड़ सकते हैं। बैडली अफेक्ट करता है इकोसिस्टम, जी हाँ, इकोसिस्टम जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वो आप उसको ये बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम को देख लें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या, रेनफॉल क्या होती है वो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, 25 to 75 सेंटीमीटर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे बड़े बड़े ग्रास हो सकते हैं, छोटे छोटे भी ग्रास हो सकते हैं, स्टेप फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करी जा रही है। इंडिया का जो ग्रासलैंड है मेनली कंपोज्ड किससे है, वो स्टेप से है और सवाना से है, ये दो टाइप्स के मेनली माने जाते हैं। लेकिन 6 टाइप ऑफ ग्रासलैंड इन इंडिया अगर कैटेगराइज किया जाए तो 6 प्रकार से आ जाते हैं। सेमी एरिड जोन में क्या कहाँ कहाँ आते हैं, वो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आते हैं। ड्राई सब ह्यूमिड जोन कहाँ कहाँ है, वो पेनिसुलर और नीलगिरी को छोड़ के पूरे पेनिसुलर पार्ट को ड्राई सब ह्यूमिड जोन में रखा गया है। मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन जो है वो गंगा एलुवियल प्लेन को बोला गया है। ह्यूमिड माउंटेन रीजन जो है आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, एचपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब जोन को ह्यूमिड माउंटेन जोन बोला गया है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है ये समझ लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे बनते हैं मेन्स में। तो ये जो है लाइव स्टॉक वेल्थ को सपोर्ट करता है, यानी जब ये ग्रासलैंड रहेंगे तभी तो यहाँ के जो लाइव स्टॉक हैं, जो भी भेड़ बकरी पालने वाले हैं ये लोग, ये एक वेल्थ के रूप में तैयार हो पाएंगे इन्हें खाकर, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो जाती है लाइव स्टॉक। तो 13 मिलियन हेक्टेयर इन ए कंट्री फॉर परमानेंट ग्रेजिंग, सोचिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप इतनी, 13 मिलियन हेक्टेयर है कंट्री में। मेंटेन करता है ये पॉपुलेशन को, ऑब्वियस सी बात है, जो इस लाइफ को सपोर्ट करती है, इनके फूड मटेरियल्स फॉर्डर को, तो ये एक पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे ही करेंगे। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, ये झांसी है। ये कई प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसको पूछा गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट पीसीएस क्वेश्चंस भी है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, ये आपको जोधपुर में मिलेगा, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, और फूड एंड फॉर्डर ये याद रहे, फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में मिलेगा। कॉजेज क्या है डिजर्टिफिकेशंस की, अब देखिए डिजर्टिफिकेशंस जो होती हैं, डिजर्टिफिकेशंस सबसे पहले मैं बता दूं क्या है, कि जहां पेड़ पौधे हैं मान लीजिए उन्हें काट के रेगिस्तान के रूप में परमर्ट किया गया, ड्राई लैंड में हो गई है, तो वो डिजर्टिफिकेशंस हो सकती है। पॉपुलेशन का इतना प्रेशर, अब बताइए कभी एक फैमिली में एक दो लोग तीन लोग थे, आज फैमिली में 30 लोग हैं, तो क्या होगा, एक पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ेगा, तो लोग इधर उधर माइग्रेट होंगे, एक इधर उधर माइग्रेट होंगे तो रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगी इतने लोगों को सस्टेन करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। पॉपुलेशन प्रोसेस प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंक्रीज इन कैटल पॉपुलेशन, इंक्रीज इन कैटल पॉपुलेशन क्या है, जब कैटल के पॉपुलेशन सेम ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जब कैटल की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिजर्टिफिकेशन की रूप में आती है। कैसे आती है ये समझ लेते हैं, मान लीजिए कैटल की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, लेकिन 2020 तक आते ही ये पॉपुलेशंस हो गई मान लीजिए 130 करोड़। तो ये जो डिमांड थी इनके फूड की, ये जो ग्रेजिंग, ये जो घास की, ये इनके अप्रोप्रिएट नहीं बैठे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये जिसकी वजह से कैटल की पॉपुलेशंस को इम्पैक्ट करी। इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे देना ये भी एक प्रकार से डिजर्टिफिकेशंस होती है। कैसे, मान लीजिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को काट कर हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट कर दिए, कॉमर्शियल लैंड कन्वर्ट कर दिए, रेजिडेंशियल लैंड कन्वर्ट कर दिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिजर्टिफिकेशंस के रूप में ये आ रहे हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़
बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटी रिसर्च प्रोजेक्ट जो हम लोग फॉरेस्ट के अंदर चलाते हैं वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन स्वयं में डिजर्टिफिकेशन क्रिएट कर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए समझते हैं टुंड्रा क्या है। टुंड्रा को समझने से पहले इसके मीनिंग्स को भी समझेंगे और क्या क्या इसके अंदर आते हैं वो भी समझेंगे। इसका मतलब होता है बैरन लैंड, ऐसा लैंड जहाँ पे ज़्यादा कुछ उगते नहीं हैं, उन्हें बंजर भूमि कहा जाता है। इट इज़ अ टू टाइप्स, एक आर्कटिक टुंड्रा होता है, एक अल्पाइन टुंड्रा होता है। दो प्रकार से टुंड्रा होते हैं। अब आर्कटिक टुंड्रा क्या होता है, यह कहाँ कहाँ फैला हुआ था, एक्सटेंड अज, यहाँ पे समझ लेते हैं, एक्सटेंड अज ए कॉन्टिन्यूस बेल्ट बिलो द पोलर आइस। आर्कटिक टुंड्रा, जो वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे अंटार्कटिक है, तो ये जो, और ये मान लेते हैं इक्वेटर, तो ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। ये लाइनें क्या कहती हैं, एक्सटेंट अज ए कॉन्टिन्यूस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप, यानी ये जो आइस का कैप है, ये जो बर्फ से ढका हुआ है, थोड़ा सा उससे नीचे वो पोलर आइस कैप, एंड एबव द ट्री लाइन, ये जो यहाँ पे सब पोलर रीजन है यहाँ से ऊपर, तो ये आसपास के रीजन इसको ये लोग आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। ये बेसिकली किससे ढकी हुई रहती है, वेजिटेशंस होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें ढकी हुई रहती हैं किससे, बर्फ से। एबव ट्री लाइन, एबव ट्री लाइन, यहाँ पे जो बड़े बड़े पौधे हैं अल्पाइन ट्री, ये इसके ऊपर ही पाए जाते हैं, यानी ये जो ट्री का लाइन है ये है, लेकिन ये जो कैप है आइस की वो ये है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ, अगर ये इक्वेटर है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा और ये साउदर्न हेमिस्फीयर आता है। इन साउदर्न पोल टुंड्रा इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टुंड्रा रीजन जो साउदर्न पोल है, जो कि अंटार्कटिक आएगा, यहाँ पे बहुत छोटे मात्रा में है, कम मात्रा में है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट कवर्ड बाई ओशियंस, बहुत सारे ये ओशियन से ढके हैं। अल्पाइन टुंड्रा अकर्स है हाई माउंटेन, अल्पाइन टुंड्रा जो है ये हाई माउंटेनियस रीजन पे होता है विद रिस्पेक्ट टू द आर्कटिक माउंटेन। आर्कटिक माउंटेन और अल्पाइन माउंटेन में यही अंतर है कि ये माउंटेनियस रीजन में होता है अल्पाइन टुंड्रा। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हम समझ लेते हैं। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस यूपीएससी में मेनी टाइम्स पूछे गए हैं, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है ये। सबसे पहले इसको कैटेगराइज करी गई है, लेकिन मैं एक सीरीज के अनुसार इसको मैं बनाया हूँ और इस सीरीज के अनुसार आपको मैं बता दूँगा। कॉनिफेरस ट्री, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उन्हें बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इनके पत्ते जो कोनिकल होते हैं और पेड़ भी कोनिकल होते हैं, उन्हें कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। और ये किस रीजन में पाया जाता है, कोल्ड रीजन में पाया जाता है, और हाई रेनफॉल जहाँ होती है, और स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट विथ लॉन्ग विंटर, विंटर जो होती है लंबे समय तक होती है, शॉर्ट समर होती है, और एवरग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में भी कुछ आते हैं, तो ये स्प्रूस, FIR, फीर, पाइन, और इनके एनिमल्स जो रहते हैं अगल बगल, इसमें वुल्फ पाए जाते हैं, बियर, फॉक्स, और जो यहाँ पे सॉयल पाया जाता है वो थिन पेडजोल सॉयल पाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है कॉनिफेरस के लिए, विच आर एसिडिक एंड मिनरल डेफिशियंट, तो मिनरल डेफिशियंट होती हैं लेकिन एसिडिक होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। दूसरा जो आता है वो यहाँ पे ये आता है कि आपको टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट एंड ब्रॉड लीफ डेसीडुअस ट्री, मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं और ब्रॉड लीफ, इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं ऐसे करके, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, और डेसीडुअस ट्री में होते हैं। यहाँ पे भी पेडजोलिक सॉयल पाए जाते हैं, और जो बरसात होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी लगभग लगभग सेम होती है चारों तरफ, एक ही साइज के। और उसके बाद जो आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होते हैं, इन पार्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के चारों तरफ की मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं, जो कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, वार्म, ड्राई और समर एंड कूल ये होते हैं, और मॉइस्ट विंटर भी होते हैं, तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ जो क्लाइमेट होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। लो ब्रॉड लीफ, यानी लो ब्रॉड
लीफ एवरग्रीन ट्री, पत्तियाँ थोड़ा नीचे ही होती हैं लेकिन ब्रॉड लीफ एवरग्रीन में पाए जाते हैं, एवरग्रीन ट्री में पाए जाते हैं। ये फायर इज एन इम्पॉर्टेंट हैजार्डस फैक्टर, इसमें आग बहुत ज़्यादा लगती है तो यह फायर के लिए बहुत ही प्रोन होते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो होता है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इसको हम लोग समझते हैं, यह इट एग्जिबिट ए मार्क्ड सीजनैलिटी विथ रिगार्ड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं, इसको दर्शाते हैं। हाई रेनफॉल, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, हैवी फॉग भी मिलती है, हाई बायोटिक डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्स रहते हैं। ट्रॉपिक रेनफॉल क्या होता है, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में पहले बताया, ये अगर आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर का जो ये बेल्ट है 23.5 से लेकर नॉर्थ साउथ, तो ये ट्रॉपिक बेल्ट में आ जाता है आपका, ये नियर इक्वेटर होता है जो कि मैं पहले बताया। अगर इसको ग्लोब मान लेते हैं तो मोस्ट डाइवर्स रीच यानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिटी की फ्लोरा और फौना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की भी कमी नहीं होती है, भर के पूरे मिलते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जिसके कारण यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स फ्लोरा फौना पाए जाते हैं। एनुअल रेनफॉल जो होता है वो कभी कभी एक्सीड हो जाता है 200 सेंटीमीटर की, और डेंस वेजिटेशंस होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ पानी होगी वहाँ पेड़ पौधे होंगे ही होंगे। एक्सट्रीमली कवर्ड विथ वाइन्स, क्रीपर्स, लियानस, इपीफिटिक और चीटी, ये सब यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं जो इनके सहारे जीते हैं। हाई रेट ऑफ लीचिंग होती है यानी पानी जो होती है वो जमीन के अंदर चली जाती है। मेक दिस सॉयल वर्चुअली यूजलेस फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, यहाँ ध्यान दीजिए ये वर्चुअली यूजलेस वर्ड यूज हुआ है, ना कि प्रॉपरली एंड रियली यूजलेस। तो ये सब चीज़ें हैं वर्चुअली यूजलेस इसको बताया गया है। और अंडर ग्रोथ होती है जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है बहुत ज़्यादा, ये इनके नीचे जो होती है अंडर ग्रोथ रुक जाती है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि घने पौधे होते हैं जो कि धूप और पानी जल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है उनकी ग्रोथ में। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट ये है कि यह मानसून फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं, ये सब फॉरेस्ट जिसे मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं यानी मानसून पर निर्भर होती है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे बहुत हाई होती है, वेरी हाई, और स्पेशली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ पैसिफिक एज वेल एज इंडिया में। तो ये ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट हैं जो कि पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे पहले पहचान ये है कि यह ब्रॉड लीव्ड होती है, एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन भी होती है और फॉरेस्ट, और हाई रेनफॉल बेल्ट, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली। इपीफिटिक आर कॉमन, ये ऐसे पेड़ जो पेड़ पौधे के सहारे लेके चढ़ जाते हैं वो इपीफिटिक हो जाते हैं। इंडियन फॉरेस्ट टाइप, इंडियन फॉरेस्ट टाइप क्या होता है, इट इज़ क्लासीफाइड बाई चैम्पियन एंड सेट, ये चैम्पियन एंड सेट के आधार पर इंडियन फॉरेस्ट टाइप को 16 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया है। तो इसको चलिए समझते हैं, सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ये पूरी इंडिया का मैं बता रहा हूँ आपको, केवल इंडिया का, अब वो वर्ल्ड का था, ये इंडिया का है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, फाउंड एलॉन्ग वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड पे पाए जाते हैं, और ऑल अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट रीजन पे पाए जाते हैं। ये लंबे होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, इनके ट्रीज कौन कौन से होते हैं, जैक फ्रूट, बटरनट पाम, जामुन, मैंगो एंड हॉलक, ये जो होते हैं श्रब झाड़ियाँ होती हैं जो कवर करती हैं लेयर को ग्राउंड से, और ऑर्चिड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रो ऑन ट्रंक ऑफ लीव्स। दूसरा आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार और ईस्टर्न हिमालय, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो होते हैं मिक्स ऑफ वेट एवरग्रीन और डेसीडुअस ट्री और डेंस फॉरेस्ट होती है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट ये थ्रू आउट इंडिया पाए जाते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, वेस्ट
और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को छोड़ के इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। ये टालर ट्रीज होते हैं और ये पत्तियाँ अपनी गिरा देते हैं ड्राई सीजन में ताकि नमी बनी रहे पेड़ पौधों के अंदर, जिसके कुछ नाम ये हैं, साल टीक डोमिनेट करते हैं और मैंगो बम्बू रोजवुड भी इनमें आते हैं। लिटोरल एंड स्वैम्प, ऐसे दलदली एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं अलोंग अंडमान एंड निकोबार, डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये लिटोरल एंड स्वैम्प एरिया दलदली एरिया होते हैं एक्चुअली ये। दिज हैव रूट्स, इनमें रूट्स होते हैं विच ब्रीद इन वाटर, वाटर के अंदर ये सांस ले सकते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के ये पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में पाए जाते हैं। ये जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, इसके जो नाम है वो है साल, एकेसिया, बम्बू। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके क्या स्पेसिफिकेशन वो भी देख लेते हैं। ये पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल रीजन में, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया ऑलमोस्ट। ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट छोटे छोटे इसमें कांटे जैसे पत्तियां निकलती हैं और पौधे में, ये नॉट बियॉन्ड 10 मीटर, 10 मीटर से ऊपर ये नहीं जा पाते। और इनके जो नाम है वो स्पर्ज, कैपर एंड कैक्टस, कैक्टस सभी लोग जानते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, कोस्ट, इस कोस्ट में पाए जाते हैं, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट क्या है? ये पाए जाते हैं किस बेल्ट में? ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड साइलेंट वैली, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। साइलेंट वैली, पुंसपार, सिनामोन एंड रोडोडेंड्रॉन और फ्रैग्रेंट ग्रास आर प्रीडोमिनेंट। ये जो सेक्शन है इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, रोडोडेंड्रॉन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप ध्यान जाइए कि रोडोडेंड्रॉन साउथ में भी पाया जाता है, न कि केवल हिमालयन बेल्ट में। इन ईस्टर्न हिमालय ओक पाया जाता है, अल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी ट्री, ऑर्चिड, बम्बू एंड क्रीपर्स। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट ये जो आते हैं यह पाए जाते हैं स्टीप ड्राई स्लोप ऑफ शिवालिक में, हिल्स, वेस्टर्न में, सेंट्रल हिमालय, खांसी, नागा, मणिपुर हिल्स, इस जोन में पाए जाते हैं। इनके जो नाम हैं वो हैं चीर, ऑक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन सॉयल एंड आमला। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ये जो पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको तेज़ लग रहा हो तो आप स्लो करके इसको समझ सकते हैं और एक दो बार इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझते हैं, या एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जो शाइनिंग पत्तियां होती हैं। इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके फीचर्स हैं, और शिवालिक हिल्स और फुट हिल्स ऑफ हिमालय में इनके जोन हैं, ये पाए जाते हैं। माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है? इन द नॉर्थ, नॉर्थ में पाए जाते हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन टू ईस्ट ऑफ नेपाल इन टू अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से लेके माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल का जो क्षेत्र है जहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से लेके ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाते हैं। इन साउथ में कहाँ पाए जाते हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट? नीलगिरी हिल्स एंड हायर रीचेज ऑफ केरला, रोडोडेंड्रॉन्स कैन बी फाउंड, जो कि मैं पहले बताया रोडोडेंड्रॉन्स, इस पर क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने, ये पाए जाते हैं। बारहवां जो आता है वो है हिमालय मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये टेम्परेट फॉरेस्ट के रूप में है लेकिन इनमें मॉइस्ट होती है, नमी होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वेस्टर्न हिमालय टू ईस्टर्न हिमालय पाए जाते हैं। वेस्ट में जो होती हैं ब्रॉड लीप्स होती हैं, कौन कौन आते हैं उसमें? ओक आता है, ब्राउन ओक आता है, वॉलनट आता है, रोडोडेंड्रॉन आता है। और ईस्ट जो होता है उसमें हायर रेनफॉल होता है, उसमें कौन सी आती है? ब्रॉड लीप उसमें भी होती है, और इसमें फर्न्स और बम्बू आती है, बम्बू बहुत ज़्यादा होती है। कॉनिफेरस जो होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये पाए जाते हैं लाहौल, लाहौल कहाँ है? ये एचपी में, हिमाचल प्रदेश, किन्नौर, सिक्किम एंड अदर पार्ट्स ऑफ हिमालय। कॉनिफेरस ट्री अलोंग विद द ब्रॉड लीव्ड ट्री लाइक ओक, मैपल, एस पाए जाते हैं एट ए हायर एलिवेशन, फर, जूनीपर, देवदार एंड चिलगोजा। ये जो चीज़ हैं
ये यहाँ पे पाए जाते हैं। सब अल्पाइन फॉरेस्ट क्या है? सब अल्पाइन फॉरेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, और इसकी जो हाइट है वो 2900 to 3500 meters है। सब अल्पाइन यानी जो हिल एरिया के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं उस जोन की बात करी जा रही है। नाम से ही आप समझ सकते हैं। इसके वेजिटेशंस में क्या क्या पाए जाते हैं? जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, वीलो, वीलो से आप जानते ही हैं बैट बनते हैं, और ब्लैक कुरांत यानी काली किशमिश। इन ईस्टर्न पार्ट में क्या क्या है? ईस्टर्न पार्ट में रेड फीर, ब्लैक जूनिपर और बर्च और लार्च, ये सब ट्रीज पाए जाते हैं। मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब फाउंड अलोंग हिमालया एंड ऑन हायर हिल्स नियर म्यांमार बॉर्डर। म्यांमार बॉर्डर और हिमालय हिल्स के आसपास ये मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब पाए जाते हैं। लो स्क्रब डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कंसिस्ट मेनली रोडो डेंड्रॉन एंड बर्च, ये रखते हैं। लो स्क्रब डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोडो डेंड्रॉन और बर्च वेजिटेशंस पाए जाते हैं। मॉसेस एंड फर्न्स कवर द ग्राउंड। मॉसेस और फर्न छोटे छोटे ये क्या हैं? पौधे हैं, बहुत छोटे छोटे, और ये चट्टानों पे भी चिपके रहते हैं, अगल बगल निकले रहते हैं, ये वो चीज़ हैं। ड्राई अल्पाइन स्क्रब क्या है? ड्राई अल्पाइन स्क्रब फाउंड फ्रॉम अबाउट 3000 meters टू अबाउट 4900 meters। इनकी जो अल्टीट्यूड है उस अल्टीट्यूड पे ये मिलते हैं। ड्वार्फ प्लांट प्रीडोमिनेंट होते हैं, मेनली ब्लैक जूनिपर, ड्रूपिंग जूनिपर एंड विलो, ये चीज़ें यहाँ पे ड्राई अल्पाइन में पाए जाते हैं। ये जो वेजिटेशंस है मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें ये इंडिया कैटेगरी के अनुसार 16 चीज़ों में इसको बांटा गया है, और चैम्पियन एंड सेट के अनुसार ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो इस सब चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको समझ में ना आए, परंतु लेकिन बट अगर आप इसको आप पढ़ते हैं 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको सिंपल सी बातें हैं, कौन कौन वेजिटेशंस कहाँ पाए जाते हैं, क्या फीचर हैं, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और आपको ज़रूर ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपको अगर आपको अच्छा लगा हो ये चीज़ें और आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।